हालेलुया हालेलुया। आइए हम जीवते परमेश्वर को धन्यवाद दें सब मिल करके आज इस आगरा मसीह मंडली में हो करके। पिता परमेश्वर ने अपने नाम के निमित्त आपको और मुझको एक अवसर दिया कि हम जीवते खुदावन की महिमा करें। आइए जीवते परमेश्वर को पुकारें, उसको धन्यवाद दें क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया और हम उसमें क्या हो, आनंदित हो, मगन हो और जीवते परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, हम अपने अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु को नतमस्तक करें, अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान दें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद धन्यवाद कहते हैं। आपने हमें संभाले रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सुबेरी की भूख से लेकर समय तक आपने हमें संभाले रखा, हम धन्यवाद देते हैं जी। इस वक्त जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन के द्वारा जुड़े हैं, जुड़ने वाले होते हैं और जुड़कर चले गए हैं, उनको आप आशीषित करना, उनको आप संभाल के रखना, क्योंकि उन्होंने अपने लिए आपके लिए एक पल तो कम से कम निकाला है। यस लॉर्ड, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं इस पूरी पृथ्वी ने, पृथ्वी को आपने रचा है, आपने बनाया है। हम धन्यवाद देते हैं इस पृथ्वी में हर एक लोगों, जो लोग रहते हैं चाहे वो इंडिया से बाहर भी क्यों ना हो, उनको भी आशीषित करना, हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं, आपके गीतों को गाते हैं, जो हम सीखते हैं वो हमारे हृदय, हमारे मन में बसने वाले बन सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, स्मृति को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए परमेश्वर पिता की महिमा में और उसकी संगति में गीत गा लेंगे। और गीत का बोल है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहते हैं। आइए हम इस गीत को गा लेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस गीत में शामिल हो और आनंद के साथ गाएं, ऊंचे स्वर से गाएं और जैसा भी हो गाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको कैसे पसंद किया है, टूटे और फूटे हुए होत के समान। हम अयोग्य थे, हमारे में कोई ताकत नहीं थी, हमारे में कोई पावर नहीं था, लेकिन पावर किसने दिया, उस जीते परमेश्वर ने। वो पावर किसके द्वारा हमें मिला, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला। तो हम क्यों घबराएं और क्यों शर्माएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको आज का दिन देखने का दिया है। आइए हम इस गीत को गाएंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हुए आइए इस गीत को प्रारंभ करें मिलके। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की बेटी को, रोहिणी नायडू को, जो परमेश्वर के वचन के लिए ललचाई रहती हैं और अपने आप को वचन में शामिल करके प्रभु आपको आशीषित करे। बहन मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। Amen.
परमेश्वर पिता की आत्मा से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? हमारे साथ है। यस, हालेलुया। तो हम कहाँ भाग के जा पाएंगे उस जीवते परमेश्वर की उपस्थिति से? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा किसे ढूंढा? आपको और हमको ढूंढा। तो किसके माध्यम से ढूंढा? पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो हम प्रभु के साथ रहें। प्रभु हमें नहीं छोड़ता है प्रियो, प्रभु हमें हर पल संभालता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई रूथ अल्फ्रेड करेगी। परिगले प्रार्थना करे, परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया, उसके सिर में और पेट में दर्द था। प्रभु उसे सामर्थ्य दे, उसे अपनी अगुवाई में ले। और जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ पेज में जुड़े हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन और जो संगति करते हैं, सबको प्रभु आशीषित करे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम आपके हृदय में आते हैं परमेश्वर पिता। आज का सुंदर समय आपने हमें दिया, हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस समय हम जो भी आपके वचनों को सीखते हैं परमेश्वर पिता, भी हमारे हृदय में बसने वाले योग्य हो सके परमेश्वर पिता। जो जो लोग हम सौरण के द्वारा जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें आशीष देना परमेश्वर पिता। अगर वो तकलीफ में हो परमेश्वर पिता, आपके नाम से भी चंगाई पाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। मैं परी के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, मेरी बहन के लिए कि उसे वो कल रात बहुत ज़्यादा बीमार थी परमेश्वर पिता, आपने उसे चंगाई दी परमेश्वर पिता कि वो रात भर में अच्छे से ठीक हो सके परमेश्वर पिता, वो अच्छे से रिकवर हो सके परमेश्वर पिता। हम ऐसी विनती और आपसे कृपा चाहते थे परमेश्वर पिता। हम हर पल आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। जो लोग अभी बीमारियों से लड़ रहे हैं परमेश्वर पिता, जो लोग हॉस्पिटल में हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें हॉस्पिटल से जल्द घर पे लाना परमेश्वर पिता। हम ऐसी विनती और कृपा आपसे चाहते हैं परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें योग्य बनाया कि हम आपके वचनों को, आपके गीतों को सभी के साथ बांट सके। इस विनती को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, एक और गीत गाएंगे प्रभु के नाम से। और उस गीत का बोल है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर्ग से गाए। आइए हम इस गीत को गा लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रभु की महिमा में। आइए आप लोग भी हमारे साथ इस गीत में शरीक हों और प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। गीत के बोल क्या है? आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर्ग से गाए। चलिए, आओ हम यहोवा के लिए से अपने मुक्ति की चट्टान का और हम
उसके हाथ की भेड़े धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं की यहोवा, अति करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी सच में आज का दिन आपने हमें दिया है, सच में आज का दिन आपने हमारे लिए दिया है, सच में आज का दिन आपने हमें दिन गिनने का अवसर दिया है। आइए जब हम वचन में जाते हैं, वचन की संगति करते हैं, कुछ पल बैठ के प्रभु को धन्यवाद करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, देखते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तो क्यों ना परमेश्वर की महिमा करें, इसकी स्तुति करें और उसके नाम को धन्य करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु के चरणों में नतमस्तक कर अपने आप का सर्वस्व प्रभु कदमों में डालें, प्रार्थना करेंगे। आइए। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र 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 और मीठे नाम से, जो सबों में प्यारा और सबों में एक है, हम उस नाम को लेकर के खुदा बाप आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं। आपने अपने वचन में कहा फिलिप्पियों के पत्र उसके दूसरा अध्याय में, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में सिर्फ एक ही नाम है और प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उसी जीवित प्रभु यीशु मसीह के हम अनुयायी हैं खुदा बाप, हम उसके पदचिन्हों में चलते हैं प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप हमें जैसे हैं वैसे आपने कबूल किया है, आपने हमें अपने पवित्र हाथों के नीचे रखा है, आपने प्रभु जी अपनी आशीष हम सब पर उंडेला है। हम प्रार्थना करते हैं इस रात्रि के अवसर में प्रभु जी छोटी छोटी बातों को देखेंगे जो पिता परमेश्वर एक सेवक के जीवन में, जो प्रभु के विश्वासी होकर जो विश्वास कद के कदम में आगे बढ़ता है उसके जीवन में प्रभु जी हम आपके अनुग्रह को चाहते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि परी का जो तबीयत खराब था, हम जानते हैं प्रभु जी मनुष्य के जीवन में ये रोड़े ये बाधाएं आएंगी, लेकिन आपने कहा जो धीरज धरेगा वही क्या पाएगा, प्रतिफल पाएगा। पिता परमेश्वर हम अपनी बेटी को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो आप उसे चंगा करने वाले हैं, जो आप उसके साथ निरंतर बने रहते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने उसे अपने पवित्र आत्मा के घेरे में रखा है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ जरूरत के लिए भी, धन्यवाद देता हूँ परिवार के प्रत्येक लोग को आपने संभाला है, उसी प्रकार से ठीक पिता परमेश्वर जैसे आपने मुझको इन बच्चों को दिया वैसे ही आपने प्रभु जी मुझे अपने बच्चा बना करके अपने कदमों के पास रखा, धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जब हम आपके वचन के भाग में जाते हैं, उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुना था, उस उत्तम भाग को हम सभी भाई बहन मिलकर इस पेज में चुनते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उंडेले, आप अपने पवित्र आत्मा को हम पर उंडेले, ताकि प्रभु जी हम आपके आत्मा में हो करके आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा कर सके। पिता परमेश्वर हम आपको आना आपके प्रेम को चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप आए हमारे बीच में विराजमान हुए, आप हमसे बातें करें प्रभु जी, आप हमारे मध्य में चले फिरे खुदा बाप, अपने पवित्र आत्मा की रूह को मंडलाने दे प्रभु जी, ताकि हम आत्मा में होकर के आपकी महिमा और स्तुति कर सकें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी जब आपके वचन को हम मनन करते हैं, आपस में सीखते हैं, हमारे मन को खोल प्रभु जी, हमारे मन की मलिनताओं को दूर कर खुदा बाप, आप हमें अपने वचन के योग्य बना, ताकि हम एक दूसरे को वचन बांटे और उससे सीखने वाले हो सके। धन्यवाद आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी, और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। आइए परमेश्वर के वचन में इन छोटी छोटी पांच बातों को देखेंगे जो बहुत ही छोटी है परंतु लाभदायक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, पवित्र है, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को
बदल डालता है। ऐसे ही एक दो बातों को देखेंगे जो परमेश्वर आज आपसे और मुझको देखना चाहता है, जानना चाहता है हमारे जीवन में, ताकि हम क्या परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के योग्य हैं या नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलता है, सबसे पहली बात उनके जीवन में तकलीफ आती है। जो परमेश्वर के वचन में चलता है उसके बीच में बहुत से बाधाएं भी आती हैं। जो परमेश्वर के वचन को अपना हमसफर मानता है उसको लोग ताना और उसको भला बुरा करते हैं। मैं तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं जो आपको और मुझको अपने पवित्र हाथ के नीचे रख के सिखाता है, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रभु के वचन पे चलता है उसके साथ प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को देता है। और ये भी बात है कि जो परमेश्वर के वचन पे ज्यादा झुकता है शैतान उसकी परीक्षा भी लेता है। आप बाइबल को उठा के देख लीजिए, अय्यूब की पुस्तक को, क्योंकि अय्यूब भी परमेश्वर का भय मानता था, खड़ा था, सच्चा था, और परमेश्वर ने उसी पे ही कहा उसी को और जांच ले, तू जांच ही ले, ऐसा मत सोच कि मैं जो परमेश्वर हूं अपने दास याकूब को, अय्यूब को क्या कर रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं। नहीं प्रियो, अय्यूब प्रतिभोर उठ करके अपने गुनाहों की माफी मांगता था, प्रतिभोर उठ के अपने बच्चों के लिए माफी मांगता था, प्रतिभोर उठ करके अपने लोगों के लिए क्या करता था, प्रार्थना करता था, धन्यवाद देता था, कहीं मेरे बच्चों से कोई गलती ना हो जाए करके। वो एक सेवक के जीवन में परमेश्वर ऐसा अवसर दिया कि शैतान उसे परीक्षा लेना चाह, यहोवा ने कहा उसकी आत्मा को छोड़, सब कुछ दे रहा है। और ठीक उसी प्रकार से आप और मैं जो प्रभु के वचन में निरंतर लिप्त रहते हैं, प्रभु के वचन में आप और मैं जो निरंतर बने रहते हैं, हमारे सामने बार बार रोज रोज कठिनाइयां आती हैं मेरे प्रियो, और ये हमारे जीवन में बना हुआ है। आप अनुभव करके देखिएगा, आप देखे होंगे जो संसार में रहते हैं, जो संसार के साथ साथ चलते हैं, वो बहुत ही आनंदित दिखेंगे, बहुत ही पैसे वाले नजर आएंगे, बहुत ही उनके साथ उनके लोग दिखेंगे, परंतु आप और मैं जो खरा मनुष्य होकर के प्रभु के साथ चलते हैं, हमारे जीवन में सुख की आनंद है, हमारे जीवन में कला नहीं है, हमारे जीवन में प्रेम ही प्रेम है, लेकिन लोगों को नजर नहीं आती है प्रभु, क्योंकि जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं तो हमारी चार उंगली हमारे तरफ इशारा करती है, लेकिन एक उंगली उसके ऊपर, तो हम दोषी हुए ना। इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर के जो वचन पे चलते हैं उनके साथ बहुत सी तकलीफ और उनके साथ बहुत सी कठिनाइयां आती है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में स्थिर रहता है वही क्या कहलाता है, बुद्धिमान कहलाता है, वही क्या कहलाता है, परमेश्वर के योग्य कहलाता है। इसलिए परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके पांचवें और छठवें पद में, छठवें अध्याय में एक एग्जाम्पल आपके और मेरे रखा है कि चट्टान पर बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। प्रियो, जो परमेश्वर के वचन को अपना जीवन मानेगा, जो परमेश्वर के मन्ना से अपना पेट भरेगा, जो परमेश्वर के साथ साथ उसकी लाठी पकड़ के चलेगा, परमेश्वर उसकी सुधि रखता है, परमेश्वर उसे संभालता है, परमेश्वर उसे अपने पवित्र हाथ के नीचे रखता है। आइए हम देखेंगे जो प्रभु के वचन पे चलते हैं उनके पांच गुण, पांच उनके जीवन के लक्षण, उनके पांच जीवन के कार्य जो वो बतलाते हैं कि जो प्रभु के साथ चलते हैं वो कैसे अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए योग्य बनाते हैं। पहली बात, छोटी बात, हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद को पढ़ें, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पौलुस के जीवन की बातें बताता है
वो कहता है, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो, हालेलुया, पौलुस की ये रोम की यात्रा है और उसकी लालसा और उसकी मनसा है पौलुस की, वो अपने मनसा को उन लोगों से, रोम के लोगों से बयां कर रहा है और वो कह रहा है अपनी दिली तमन्ना को, अपनी लालसा, अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहा है। वो कहता है, मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हूं। कैसा हूं सुसमाचार सुनाने के लिए? भरकस, जिसको हम बेदम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज भाषा में, बरकस, जिसको मन से, दिल से, दिमाग से, पूरे शरीर के जोर से, क्या है, भरकस तैयार हो बोलता है। क्या सुनाने के लिए? वचन सुनाने के लिए। तो वही बात है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएगा, जो परमेश्वर के अनुसार अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाएगा, वो अपने जीवन में क्या करता, सदा सदा तत्पर रहता है। परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए और परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए, यहां पे हम देखते हैं कि वो भरकस क्या है, तैयार है। एक जो प्रभु के सेवक का गुण है, एक जो प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, एक जो प्रभु के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं, उसके जो गुण क्या है, वो सदा तैयार रहते हैं, तत्पर रहेंगे। जैसे हम हॉस्टल में जब शुरू शुरू गए परमेश्वर के वचन को जानने, सीखने, पढ़ने के लिए, हमारे टीचर्स कोई बात बोलते नहीं थे, सबके हाथ खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हम क्या कहते थे, हम तैयार हैं, कुछ भी काम करने के लिए हम तैयार हैं। हम उस समय एक चीज जानते थे, हमें जितना भी हो प्रभु के वचन को सीखना है और प्रभु के पीछे चलना है। और फिर हमारे टीचर एक को, दो को, जिसको भी कहते थे, वो क्या करते थे, काम को करते थे। इसी उसी प्रकार से एक सोल्जर भी हर समय क्या होता है, तत्पर और तैयार रहता है अपने युद्ध की तैयारी में, अपने कार्यों में। उसी प्रकार से आप और मैं, जो प्रभु यीशु मसीह के अगुवे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के सेवक है, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले के जो गुण है, वो कैसे होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 8 पद को देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। यशायाह का क्या है, यहाँ पे बुलाया जाना प्रभु की सेवकाई के लिए। 8वें पद में कहता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब यशायाह उस समय भविष्यवक्ता नहीं हुआ था, तब यशायाह ने कहा, मैं यहां हूं मुझे भेज। यही वह यशायाह है जो बोलता, हाय प्रभु, मैं मारा जा रहा हूं, मैंने सेनाओं के यहोवा को अपने आंखों से देखा है। यही वो यशायाह है जो परमेश्वर के भवन को चारों ओर से घिरा हुआ देख रहा है। और 6वें उसके 5 पद तक कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। ये है तत्पर और तैयार रहने वाले, क्या बोलते हैं, मुझे भेज, मैं यहां हूं। एक सोल्जर, एक परमेश्वर के अगुवे के जो वचन पे चलते हैं, उसके गुण, मुझे भेज। आज परमेश्वर आपको और मुझको सिखलाना चाहता है प्रभु। जब वो हीरा, जब परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, वो धरोहर जो पौलुस बोलता है, उस थाती की सर धरोहर रखवाली का आपको और मुझको मिला है, क्या उसे हम ना बांटें, क्या हम उसकी रखवाली ना करें? यस, प्रियो हमें करना है, क्योंकि हम क्या है, प्रभु के वचन पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए रोमियों की प्रेतों की काम की पुस्तक और उसका 21 अध्याय में पौलुस अपने विषय में कहता है, किसके
21 के 13 पद में, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। पौलुस अपने आप को एक सच्चा सिपाही के रूप में प्रकट कर रहा है और बोलता है, मैं तैयार हूँ हर पल हर परिस्थिति के लिए। जो तुम लोग रो रो कर अपनी छाती पीट पीट कर मेरा भी दिल तोड़ रहे हो, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये एक समर्पित, ये एक प्रभु के पीछे चलने वाले, ये एक विश्वासी के गुण है जो प्रभु के लिए अपने आप को निछावर कर दे। अगली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखलाता है कि जो प्रभु के वचन पे चलता है वो हर समय क्या होता है, साहसी होता है। वो हर समय साहसी होता है। लूका के सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, लूका के सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 51 पद, दूसरी सी छोटी सी बात देखेंगे जो महज एक दूसरे के लिए बहुत ही असाधारण है, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए ये बहुत ही बहुमूल्य है। जहाँ पे तलवार काम नहीं आती ना प्रयोग, वहाँ पे सुई काम आती है। इसलिए छोटी छोटी बात बहुत जरूरी है मनुष्य के जीवन में। आइए दूसरी बात हम देखते हैं, लूका 9 का अध्याय और उसका 51 पद। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तब उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, समारिया के एक गांव में गए जिसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता कि हम आज्ञा दे कि हम आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दे? मैं पूरा पढ़ा हूँ थोड़ा सा। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सामारिया में लोगों के द्वारा विरोध को क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे। उनके विरोध का क्या कर रहे थे, वो सामना कर रहे थे। क्या चले ऐसी बात बोल के प्रभु को क्रोधित नहीं कर रहे थे? क्या इससे पहले प्रभु यीशु मसीह को क्रोध नहीं आ सकता था? आ सकता था, लेकिन प्रभु अपने साहस को प्रकट कर रहे हैं। यदि आज कोई तुम्हारी ताड़ना कर रहा है, यदि आज कोई तुम्हारा बुरा भला कह रहा है, यदि आज कोई तुम्हें तकलीफ दे रहा है, आज कोई तुम्हें तुम्हारे शरीर में जीवन में उंगली उठा रहा है, हो सकता है कल यही लोग छाती पीटें, हो सकता है कल यही लोग आपकी वाहवाही और बड़ाई करें। इसलिए समय रहते हमें क्या करना है, तत्पर रहना है, साहसी बनना है। और यही वे लोग थे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने में, और यही वो लोग थे जब छाती पीट के सिजदा कर रहे हैं, यही वो लोग थे जो प्रभु को अपने आंखों से देखे, कानों से सुने। जब इन्होंने उस सच्चाइयों को जाना, तब मैं सोचता हूँ कि इन लोगों के मन के पीड़ाएं जो टूट की वेदनाएं गिरी होगी, वो इनको अपने आप में कायल कर दी होगी। क्योंकि जब हम किसी को देखते उसका अपमान करते हैं, सच्चाई जब पता चलती है, तो हमारा जीवन निरुत्तर हो जाता है, हमारा जीवन ठंडा हो जाता है, हम सोचने हो जाते हैं। और इसी साहस को प्रभु यीशु मसीह आप पे और मुझ पे प्रकट करना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, 55 पद, बहुत अच्छा शब्द लिखा, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा, किसे, अपने चेलों को, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया। हालेलुया, ये है सच्चा प्रभु यीशु मसीह, ये है सच्चा जीवित प्रभु यीशु मसीह, जो साहस से भरा पड़ा है, जो अपने आप को बलिदान करने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। अगली और छोटी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन
आपको और मुझको सिखलाता है कि हमें क्या करना है, भला बनना है। हमें क्या बनना है, भला बनना है। क्योंकि जब हम भला बनेंगे तभी हमारा जो परमेश्वर पिता है हमारी भलाई देख करके कह करके हमें एक्सेप्ट करेगा। जी मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेतों की काम की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसका 3 पद हम पढ़े, वहां पे क्या लिखा है। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। प्रियो देखो, परमेश्वर का वचन क्या कहा, भी हमने उससे पहले पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा, शांत हो जाओ, तुम ऐसे आत्मा के लिए नहीं हो। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किसी को नाश करने नहीं परंतु सबको जीवन देने आया हूँ बोलते हैं। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के द्वारा प्रकट करते हैं, कहते हैं हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को चुनो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो। ये परमेश्वर आपको मुझको सिखला रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बतला रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पदचिन्हों में चलते हैं, उसके गुण और लक्षण कैसे हो। सुनामी अर्थात भला मनुष्य, अर्थात जो सबकी सहायता हो, अर्थात जो सबका साथ दे। वही लोग तो इस योग्य थे ना चुने जाने में, तभी तो परमेश्वर के दास ने कहा अपने में से 7 सुनामी चुन लो, सुनाम चुन लो। जिस सुनाम का मतलब है सब नामों में श्रेष्ठ हो, कामों में श्रेष्ठ हो, बातों में श्रेष्ठ हो, ऐसे व्यक्ति को चुन लो जो प्रभु की सेवकाई के काम में आगे आने वाला हो। इसी प्रेतों की काम की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसका 2 पद को पढ़े, वचन क्या कहता है। और यहाँ पे तीमुथियुस के विषय में एक वर्णन, वह कहता है वह लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में सुनाम था। कौन? तीमुथियुस। उसको क्या कहता है, सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उनका खतना किया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। ये जो तीमुथियुस था ये क्या था, लुस्त्रा में इकोनियम का भाइयों में सुनाम था। परमेश्वर ऐसे लोग को चुनता है जो भला है, परमेश्वर ऐसे लोग के साथ चलता है जिसके हाथ पाप से न रंगे हों। परमेश्वर ने दाऊद से क्या कहा था, तू मेरा भवन नहीं बना सकता क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं, लेकिन जो तेरा बेटा है वही मेरे भवन को बनाएगा। कौन? जो भला और पवित्र है। फिर तो काम की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसका हम 22 अध्याय और उसका 12 पद को पढ़ते, वहां पे बहुत ही अच्छा वर्णन। तब हनन्या नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वह रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया। ये है प्रभु के लोग जो सुनाम है, परमेश्वर उन्हें उभारता है और उसे परमेश्वर अपने पास लाता है। अगली बात हम देखते हैं जो हमने इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 17 पद में पढ़ते हैं। हालेलुया। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। धन्यवाद हो जीवते परमेश्वर को जो अपने लोगों को परखता है, अपने लोगों के संग रहता है। यहाँ इब्राहिम के समय क्या लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। इब्राहिम ने अपने सेवकाई में परमेश्वर की आज्ञा के चल बताए हुए चलने पे क्या लिखा, खरा निकला, परखा हुआ निकला, शुद्ध चोखे सोने के समान निकला।
और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सच माना, एक परखा हुआ जीवन। परमेश्वर अपने लोगों को समय समय में परखता है, परमेश्वर अपने लोगों को समय के साथ साथ बढ़ाता है। जैसे लोहा सोनार जब जब अपनी सोने को कोई रूप देता है तो उसे क्या करता है, समय समय के साथ ठोकता पीटता गलाता उसके योग्य बनाता है ताकि उसकी कीमत और बढ़ जाए। वैसे ही परमेश्वर अपने दास अब्राहम को क्या कहा है, परखे जाने के समय में इसहाक का बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको मुझको आश्वासित करे, मेरे प्रियो परमेश्वर आप सब मुझसे चाहता है कि हम भी क्या हों, परमेश्वर के वचन के अनुसार परखे जाएं, तब तो हम परमेश्वर के काम योग्य चाल चल पाएंगे, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। क्योंकि प्रभु हमको हर परिस्थितियों से तैयार करके निकाला है, तो क्यों हम भी प्रभु के साथ चलने वाले हो जाएं। अगली और अंतिम और छोटी बात देखते हैं कि प्रत्येक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता है उसे क्या होना है, सावधान रहना है। किसके समान, सांप के नहीं चतुर और कबूतर के नहीं क्या बनना है, भोला बनना है। सांप के नहीं चतुर और कबूतर के नहीं भोले बनना है मेरे प्रियो, क्योंकि ये जो समय है बहुत ही गंदा है। ये समय है जो कब कब अपने ही लोग सबसे पहले अपने लोग को फाड़ खाते हैं। कोई किसी के अपराधों को क्षमा नहीं कर रहा है आज के समय में। आज के समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे को गड्ढे में ढकेल दे रहा है, चाहे क्यों ना मसीह भाई हो चाहे निजाती हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को बचाया, हर एक के गुनाहों को माफ किया, लेकिन आज स्वार्थ और लालच में सब एक दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। जो परमेश्वर का वचन आपको और मुझसे सिखलाता है कि आप और मैं क्या करें, सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि आने वाले दिनों में जब विपत्ति हमारे ऊपर आए तो हम क्या हो, निर्दोष निकलें। यदि हम नेहमिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 15-23 पद तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जब पुनः निर्माण की बात हो रही थी तो लोग क्या कर रहे थे, नेहमिया के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि वो इस शहर पना को भवन को ना बनाए। नेहमिया उसका 4 अध्याय और उसका 15 आगे पढ़ते तो वहां पे लिखा है, जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई और परमेश्वर ने इसकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम में लौट गए। और उन दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे, आधे बर्छियां तलवारों धनुष और झीलमों की धारण किए रहे, और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों ओर भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ में काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। क्योंकि आसपास के जो लोग थे वे कभी नहीं चाहते थे कि परमेश्वर का भवन बने, परमेश्वर का शहरपनाह बने, क्योंकि जानते थे इसराइलियों की ताकत कहाँ पे है, परमेश्वर के भवन में है। इसलिए वो कभी नहीं जाते थे अन्य जाति के लोग कि ये परमेश्वर के बेटे बेटी अपने भवन में आके उस जीते परमेश्वर की आराधना करें। इसलिए लोग जब भी होता था तो परमेश्वर के भवन को क्या करते थे, तोड़ देते थे, उन्हें अर्थहीन बना देते थे। लेकिन जब इसराइलियों ने जागा तब नहमिया और हग्गे नबी ने कैसे करके इन भवनों को बनाया जो राजा सुलेमान ने बनाया था, और ये सब एक हाथ में तलवार और एक हाथ से गारे मिट्टी का काम करते थे और परमेश्वर के भवन को उन चारों तरफ की सरपना को बनाते थे। मेरे प्रियो उसका वजह था क्योंकि जब सुलेमान राजा ने यहोवा से प्रार्थना की तो उसने कहा था, जो लोग तेरे हैं मेरे कहलाते हैं
जब वो इस भवन से तुझसे प्रार्थना करे तो तुम्हें क्या करना, आशीष करना। इसीलिए लोग क्या करते थे, जब परमेश्वर के भवन से पुकारते थे यहोवा को तो सुनता था और अपने लोगों की मदद करता, लेकिन लोग क्या करते थे, सबसे पहले भवन को तोड़ देते थे। इसीलिए परमेश्वर के दासों को क्या करना है, सावधान रहना है, क्योंकि ये जो हृदय है आज प्रभु यीशु मसीह इसमें वास करते हैं और इस हृदय में वास करते हैं, इसलिए हमें इसे पाक और पवित्र रखना है ताकि हम क्या करें, परमेश्वर के साथ संगति करें। यह है परमेश्वर के जो सेवचन पे चलने वाले लोग, जिनकी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपके और मेरे जीवन के लिए लाभदायक है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को सतर्क, सावधान, तत्पर, साहसी, भला और परखा हुआ बना के रखें, क्योंकि प्रभु आपको और मुझको जांचने के लिए कब आ जाए ये आप और मैं नहीं जानते। इसलिए प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि हम उसकी संगति में निरंतर बना रहे। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर पल को परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया कि हम उसके कदमों में बैठकर इस आगरा मसीह मंडली के पेज में होकर प्रभु को हम पुकार सके। प्रार्थना करें, सच में परमेश्वर पिता योग्य केवल आप हैं, पवित्र केवल आप हैं, आदर और महिमा के योग्य केवल आप हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पास आते हैं। आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके चरणों के पास बैठकर आपकी महिमा और आपकी जय जयकार कर सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे संग और साथ हैं। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, जैसे भी है आपने हमें अवसर दिया कि हम आपकी स्तुति महिमा तारीफ करें। पिता परमेश्वर आज का जो दिन हमने आपके कदम में बैठकर गंवाया, हमें मालूम है वो 100 गुना 70 गुना फल लाने वाला है। हम प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके वचन की संगति कर सकें। खुदा भाव जितने भाई बहन इस समय पेज में शरीक हैं, सबको नाम बना मासिक दीजिए ताकि हर एक जन आपको धन्यवाद दे सके। पिता परमेश्वर मैं परी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो आपने उसे चंगाई दी है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आदर महिमा गौरव आपको देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह।